is down, what's left is right. Chasing stars and high. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस रजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मौलान पैट्स। उम्मीद करता हूं दोस्त खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, आप दोस्तों की भरपूर फरमाइश पर कवर करने के लिए आए हैं लव बर्ड का सेटअप। इस वीडियो में हमारे साथ ताउन किया है इरफान भाई ने। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अवैस भाई, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इरफान भाई आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, हमारे व्यूवर्स को बताएं उसके बारे में। जी सर, मेरा यूट्यूब चैनल है मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरल्स के नाम से, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ मैं सेटअप वगैरह विजिट कर रहा होता हूँ लबर्ड के, और जो छोटी मोटेशन है वो सेटअप में विजिट कर रहा होता हूँ। जी मैं अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भाई भी लबर्ड की वीडियो देखना चाहते हैं स्पेशली लाहौर की, तो आप विजिट कर सकते हैं इरफान भाई के चैनल पर। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, आपने इतना अच्छा सेटअप हमें विजिट कराया। जज़ाकअल्लाह अवैस भाई, आप आए सर, आपने इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आए मुलाकात करते हैं फार्म के ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान सबसे पहले हमारे व्यूवर्स के लिए आप अपना तारुफ करा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद अवैस मुश्ताक है, मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर PR हूँ LSC लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का, मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। जी भाईजान कितने अर्से से शौक कर रहे हैं आप लवबर्ड का? जी मैं पिछले 6 साल से ये शौक कर रहा हूँ। जी कौन कौन सी म्यूटेशन लगा रखी है आपने? जी बहुत सी म्यूटेशन पे काम कर रहा हूँ, नॉर्मली ग्रीन फिशर से लेके पेल फेलो प्लाइन तक, डन फेलो तक, इंशाल्लाह उस पर काम कर रहा हूँ। जी तो मैं चाहूँगा अवैस भाई कि आप हमारे व्यूवर्स को आप अपना फॉर्म विजिट कराएं। जी ज़रूर। जी माशाल्लाह जी, ये डैकिनो इंटुल बाइनो मेरा पेड़ है माशाल्लाह, इसके जो है ना वो एग जो है वो हैचिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे दिखाते हैं इनको। जी ये माशाल्लाह इसके 2 रेड ही बच्चे हैं आई थिंक, और 2 ब्लैक ही हैं। ये क्रीमिनो होंगे या अल्बाइनो होंगे माशाल्लाह। इनकी क्या मार्केट वैल्यू होगी इन बच्चों की? क्रीमिनो अराउंड 40 का, और डैकिनो 35 का, अल्बाइनो 15 के राउंड होगी प्राइस इस वक्त मार्केट में। माशाल्लाह ये मेरा अल्बाइनो का पेयर है, पॉसिबल B2 की जो है ये मतलब टेस्टिंग हो रही है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी इस जोड़े की? बस ये अगर ब्लूटूथ निकल आया तो फिर तो ब्लूटूथ बर्ड 1 लाख रुपये तक भी है अल्बाइनो का। अभी ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर इसका बच्चा क्रीमिनो और डैकिनो ही आए अगर बच्चे, तो फिर ये B2 कन्फर्म हो जाएगा, वरना इसमें से अल्बाइनो रेड आई और ब्लैक आईज आएंगे। माशाल्लाह साइज चेक कर लें, बर्ड का क्वालिटी चेक कर लें। वैसे भाई ये बताएं कि अल्बाइनो रेड आईज की पेयर की क्या प्राइस चल रही है? अल्बाइनो रेड आईज पट्ठे या बड़े पेयर की बात कर रहे हैं आप? पट्ठे की क्या प्राइस है और बड़े की क्या प्राइस? पट्ठे अराउंड 30-35 के अराउंड में पेयर की प्राइस होगी विद DNA, और जो बड़ा पेयर है वो 45-50 का है, बड़ा ब्रीडर पेयर। जी इस वक्त मैंने देखा आपने रेड आइज टू ब्लैक आइज लगा रखा है पेयर, इसमें क्या आने लगा, क्या रिजल्ट आएगा? सर इसमें बेसिकली रेड टू ब्लैक में एक तो बच्चों की सर्वाइवल बढ़ जाती है, और दूसरा ब्लड लाइन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और तीसरा बच्चे का जो साइज होता है ना वो अच्छा हो जाता है। जी और मुझे ये बताइए, जो ब्लैक आइज हैं ये तो आना ही बंद हो गए, जो भी देखते हैं तो कहते हैं ये स्प्लिट है रेड आइज का, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए ना, अब मैंने हर बर्ड को रिंग डालना होता है, तो मैंने तो बकायदा पेडिग्री लिखनी होती है हर बर्ड की, तो मैं तो एक गारंटी के साथ देता हूँ ना कि मैं मतलब रिंग डला हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ है ये स्प्लिट रेड आई है। अब वो मैं किसी दूसरे ब्रीडर का बता कह तो नहीं सकता कि वो ब्लैक आई है या स्प्लिट नहीं है। जी जो स्प्लिट होता है क्या वो बच्चे रेड आई देते हैं? जी बिल्कुल, रेड के साथ स्प्लिट आप लगाते हैं तो वो रेड आई बच्चे देता है। जी ये माशाल्लाह मेरा B2 Bluetooth की टेस्टिंग का पेयर है, ठीक है, तो इसमें ब्लैक का ही बर्ड मेरे पास बचा नहीं था, तो मैंने ये रेड टू रेड ही लगाया। माशाल्लाह साइज में दोनों बर्ड अच्छे थे, तो इसलिए मैंने दोनों लगाए। ये Bluetooth टेस्ट हो जाएगा, इसमें से एक बर्ड पॉसिबल Bluetooth है। जी वैसे भाई सुनने में आता है अल्बाइनो रेड आइज अच्छा ब्रीडर नहीं है, या बच्चे डेड इनशेल हो जाते हैं, या बच्चे हैच हो के मर जाते हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं। बेसिकली रेड आई बर्ड है, थोड़ी ये ब्लड लाइन जो होती है ये वीक होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा आता है इशू के पहले 2-3 दिन में अगर बच्चा सरवाइव कर जाए तो फिर जो उसके बाद वो सरवाइव कर जाता है। जी और आप किस तरह से सरवाइव कराते हैं? बस जी अल्लाह पाक की करम नवाजी है, मैं अगर कहूँ कि रेड आई जो है मैं गॉड गिफ्टेड हूँ रेड आई में, तो इसमें कोई कबात नहीं होगी,
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रेड आई का सर्वाइवल बहुत अच्छा है। मैंने ये लाइनें जो है ये मैंने सिलेक्टिव ब्रीडिंग 5-6 साल से कर करके तो ये लाइनें बनाई हुई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रेड आई का सर्वाइवल बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास अराउंड 50 पेयर लगे हुए हैं, जिसमें डैकिनो इंटू अल्बाइनो, डैकिनो इंटू क्रीमिनो और क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो के पेयर है, 50 पेयर लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, ब्रीडर पेयर जो मेरे। ये फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इनका? ये फ्यूचर ही फ्यूचर है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो इसके लिए यही फ्यूचर नज़र आ रहा है, हर बंदे को यही कमर्शियल आइटम ही नज़र आ रही है, तो डिमांड इसकी बहुत हाई चल रही है इस वक्त। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसकी वर्किंग में क्रीमिनो टू आगे क्या है सर? इसमें इसके बाद जो बन सकता है वो क्रीमिनो प्लाइन है बस, लेकिन ये कमर्शियल आइटम है, एक खूबसूरत बर्ड है, येलो में बर्ड खूबसूरत लगता है, रेड आई में क्रीमिनो, इसलिए इसकी डिमांड बहुत हाई चल रही है अभी तक। जो क्रीमिनो प्लाइन है उसकी क्या कीमत होगी? तो क्रीमिनो प्लाइन मेरा ख्याल है अराउंड कोई 70-80 के अराउंड उसकी प्राइस होनी चाहिए। जी ये माशाल्लाह मिस्टी पार्लू का मेल है, स्प्लिट पेल फेलो है, और इसके साथ जो है ग्रीन यूविंग स्प्लिट B2 की फीमेल लगी हुई है, तो इसमें से जो जितने भी ब्लू बच्चे आएंगे सब माशाल्लाह B2 होंगे, कन्फर्म्ड B2 होंगे बच्चे जी। वैसे ये बताएं जिस तरह से ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, हाँ। तो इम्यूनिटी का इशू आता है, तो इसके बारे में बताएं आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं इसे? सर बेसिकली इम्यूनिटी का इशू अभी तक तो नहीं आया, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, लेकिन दिसंबर में और जनवरी में आता है, तो उसमें आपने सिर्फ क्रॉस वेंटिलेशन रखनी है, ठीक है, प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन रहे तो इंशाल्लाह इम्यूनिटी में भी आपके पास जो है ना वो एग जो है ना हैच होते रहेंगे इंशाल्लाह। कितनी इम्यूनिटी होनी चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम जो है वो 40 के अराउंड होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 55-60 होनी चाहिए। अगर 55 से ऊपर हो जाती है, 70-80 पे जाती है, फिर उसमें थोड़ा इशू आता है, हैचिंग में थोड़ा सा इशू आता है, उसमें आपके पास डेड इन सेल होता है, डेड इन सेल होने के चांस होते हैं आपके पास। अगर 40 से कम हो जाए? 40 से कम होने पे भी थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन उसमें आप लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर 40 से कम 35-30 पे आ गई है तो आप थोड़ा सा एग को जो है ना वो पानी लगा देते हैं तो उससे हैचिंग हो जाती है जी। माशाल्लाह ये जो भी पेयर आपको बताया है पार्लू स्प्लिट पेल फेलो इनटू ग्रीन यूविंग स्प्लिट B2 उसके ये बच्चे हैं माशाल्लाह। इसमें जो ब्लू बच्चे होंगे अगर वो ब्लू फिशरी आई तो वो कन्फर्म B2 होंगे और पॉसिबल पेल फेलो होंगे, बाकी दो ग्रीन बेबीज हैं वो स्प्लिट B1 B2 होंगे जी। माशाल्लाह ये सलेटी पार्लू प्लाइन की फीमेल है और ये अकेली फीमेल है, ये एग जो है ना वो इनक्यूबेट कर रही है जी। और इसका मेल किधर है? तो इसका मेल जो है ना वो ग्रीन यूविंग स्प्लिट B2 है, ठीक है, और वो जो मेल है वो दूसरी फीमेल के साथ बाउंड किया हुआ है, तो बेसिकली B2 की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो उसके लिए मैं एक मेल को दो फीमेल के साथ चला लेता हूँ। इसके माशाल्लाह 5 एग गाय हुए हैं और 5 फर्टाइल हैं, एक फीमेल एक वक्त में 5 बच्चे इजीली पाल लेती है, 4 से 5 बच्चे, वो डिपेंड करता है कि आपके बच्चों की ग्रोथ कैसी चल रही है। अवैस भाई केज साइज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आप? जी माशाल्लाह केज साइज़ मेरे पास ये 16 इंच की हाइट है एक पोर्शन की, ठीक है, इसमें 18 इंच की वेड्थ है, चौड़ाई है, और 3 फीट इसकी डेप्थ है जी। कम से कम कितना केज लगा सकते हैं लवबर्ड के लिए साइज़? कम से कम मैं तो कहूँगा 3 ही लगाएं, क्योंकि 3 में बर्ड जो है ना वो उसको फ्लाई भी मिल जाती है ब्रीडिंग सीजन के दौरान। आजकल मार्केट में केज आया हुआ है 8 पोर्शन वाला, 12 पोर्शन वाला जी, जी। ज़्यादातर मैंने देखे हैं लोग वो इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से 1.5x1.5 का है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत से इश्यूज आ सकते हैं, एग बाइंडिंग का इशू आएगा, बर्ड का साइज़ जो है वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस ब्रीडिंग सीजन के दौरान बर्ड को थोड़ी फ्लाई भी चाहिए होती है, तो उसके लिए कम से कम 3 फीट का साइज़ होना चाहिए। बॉक्स साइज़ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बॉक्स साइज़ मेरे पास ये 11 इंच की हाइट है और 7 इंच की वेड्थ है और 7 इंच की डेप्थ है। आप इसमें फैंसी बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्लाई वाला जी, थोड़ा इस बारे में बताएं क्या? ये फैंसी नहीं, बस ये एक बहुत अच्छी जो प्लाई है उसके स्पेशली बॉक्सेस हम लोगों ने बनवाए हुए हैं अपने लिए, अपना लोगो भी प्रिंट करवाया हुआ है, तो ये थोड़ा लाइट वेट होता है, इसमें थोड़ा सा एक इश्यू ये भी थोड़ा सा हमें एक बेनिफिट होता है, ये ड्राई रहता है ज़्यादा, प्लाई ड्राई रहती है बजाय के कीकर का बॉक्स होने के, ये प्लाई ड्राई रहती है जी। वैसे भाई ये बताएं, मैं देख रहा हूँ कि आपके फार्म में मेरा ख्याल है धूप नहीं आती होगी जी, तो विटामिन डी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये विटामिन D3 के लिए मैं प्राइम यूज़ करता हूँ, प्राइम विटामिन है वो मैं यूज़ करता हूँ। 2 साल के लिए मैंने जो है वो डी सोलोवी डी ब्रीडर यूज़ किया,
लेकिन बर्ड जो है एक वाइटामिन पे ना इम्यून हो जाता है, तो इसलिए दो साल के बाद मैंने वाइटामिन चेंज किया है, तो अब मैं प्राइम यूज कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह ये मेरा ग्रीन फिशर है 2019 में जो वो नोवाइस चैंपियन हुआ था 93 पॉइंट्स के साथ, माशाल्लाह उसको मैंने अब ये जो 1.5 ईयर की फीमेल है मिस्टी ब्लू वो दिया है। अब इंशाल्लाह इससे जो है ना एक क्लास ही लेंगे, फिर इसको रेस्ट पे डाल देंगे इंशाल्लाह। शो क्लास जो बर्ड है उनके बारे में बताएं, किस तरह की कटिंग होनी चाहिए, कोई पॉइंट्स बताएं। बेसिकली फोर हेड बर्ड होना चाहिए, बर्ड का स्टांस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक आप देख रहे हैं आप माशाल्लाह वीडियो में, ये प्रॉपर फोर हेड बर्ड है दोनों। तो इनके जब आगे इनकी ब्रीड आएगी तो उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि उसमें शो क्लास बर्ड कौन सा है। जो ये फिशरी है अंदर, ये क्या सादा फिशरी है जी? वो बिल्कुल ब्लू वाली भी सादा फिशरी है और ग्रीन वाइल्ड टाइप का बर्ड है मेरा जी। माशाल्लाह जी ये ग्रीन डेल्यूट स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और सलेटी ओपलाइन स्प्लिट डेल्यूट की फीमेल है जी। मैंने ये बड़ी चाह से बड़े प्यार से ये पेयर लगाया है, इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्दी ये ब्रीड पे इंशाल्लाह आ जाएगा। अभी इसको बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया है जी। माशाल्लाह ये ग्रीन यूविंग स्प्लिट B2 का मेल है, वही जिसकी फीमेल अकेली एग हैच कर रही है, ठीक है। तो ये इसके साथ जो है पावर ब्लू प्लाइन की जो फीमेल है, ये सेकंड फीमेल इसके साथ बाउंड की है जी। इसे जो पावर ब्लू है इसकी फीमेल की क्या प्राइस होगी? तो ये पावर ब्लू प्लाइन में इस क्लास में मेरे पास बर्ड जो है वो 80,000 से 1,00,000 रुपये का बर्ड है। वैसे ये बताएं, मार्केट में मैंने देखे हैं 15,000 रुपए की भी पीस अवेलेबल है, तो उस बारे में गाइड करें। सर वो प्राइस डिपेंड करती है बर्ड की क्वालिटी पे, क्वालिटी क्या है बर्ड की, बर्ड का साइज क्या है। तो अब ये माशाल्लाह बर्ड देख रहे हैं, 1% भी किसी लिहाज से इसमें मार्किंग नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ये क्वालिटी की प्राइस होगी। क्वालिटी बताएं कि क्वालिटी क्या है इसमें हमारे देखने वाले? सर बेसिकली इसका हेड जो है बिल्कुल क्लियर है। अब ये मिस्टी बर्ड है और आप लाइट में बना रहे हैं तो इसलिए इसकी बॉडी मार्किंग आपको नजर नहीं आएगी। डे टाइम आपको इसकी बॉडी मार्किंग जो है ना वो ठीक से नजर आएगी। ये क्वालिटी अपलाइन में एक बॉडी मार्किंग होती है, हेड होता है, ठीक है। ये दो चीजें ही या टेल बार उसकी होती है, ये तीन चीजें इसमें देखी जाती हैं क्वालिटी अपलाइन में। वैसे भाई मास्किंग से क्या मुराद है? मास्किंग सर जो कानों पे मतलब चिक्स पे आ जाती है या हेड पे आ जाती है उसको मास्किंग बोला जाता है जी। माशाल्लाह ये मेरा पेल ओपलाइन की वर्किंग का पेयर है, सेक्स लिंक पेल। आने वाले वक्त में जो हॉट म्यूटेशन होने वाली है, ये पार ब्लू स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल का मेल है और वायलेट पेल ओपलाइन की फीमेल है। ये मेरी होम ब्रीड के बर्ड है दोनों जी। वैसे भाई आजकल वायरस आया हुआ है बच्चों में, पोलियामा वायरस, उसके बारे में बताएं। बेसिकली पोलियोमा वायरस जो है वो आ जाता है उन लोगों के पास जो सफाई का ख्याल नहीं रखते या फिर वक्त से पहले ब्रीड लेते हैं। पोलियोमा के लिए आपको कम से कम जो है वो 100 से 110 दिन के लिए अपनी ब्रीड रोकनी पड़ती है, लेकिन हमारे लोगों में यहाँ पाकिस्तान में उनके पास सब्र ही नहीं है। वो 2 महीने बड़ी मुश्किल निकालते हैं, पहली ब्रीड भी लेट लेते हैं, उसके 2 महीने के बाद दोबारा जो है वो बर्ड को ब्रीड पर लगा देते हैं, तो ओवर ब्रीड लेने की वजह से पोलियोमा का मसला आता है। वैसे भाई ये बताएं कि केज की सफाई कितने दिन बाद करनी चाहिए? सर बेसिकली ये ट्रे की जो सफाई है ना, ये मैक्सिमम 10 डेज के अंदर जो है ना, मतलब 1 महीने में 3 दफ़ा 10 डेज के बाद ट्रे की सफाई हो जानी चाहिए, और सफाई करने के बाद इसको विल्कोनेस का स्प्रे भी होना चाहिए डिसइंफेक्ट करने के लिए। वैसे भाई जिस तरह से सर्दियों का मौसम की आमद है जी, तो इस बारे में बताएं अगर परिंदे को नज़ला हो जाता है तो क्या इलाज है? सर बेसिकली डिपेंड करता है बर्ड कैसी बीमारी, मोस्टली लव बर्ड में सांस का मसला आता है। वो एक बर्ड जो है वो सीटी की जैसे सांस लेता है तो सीटी की आवाज़ आती है, तो वो मसला वो तो एक बर्ड एंड पे पहुंच जाता है, उससे पहले अगर बर्ड मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर दे तो उसके लिए मोस्टली जो है वो टाइलोडॉक्स एक मेडिसिन है वो यूज़ की जाती है। वैसे मुस्तकबिल में कौन सा परिंदा ऐसा जो ट्रेंडिंग पे रहेगा? मुस्तकबिल में सर बहुत से बर्ड हैं, पेल आएगा, उसके बाद डन फैलो है, तो मेरी नज़र में तो क्रिमिनल बाइनो ही फ्यूचर रहेगा जिस हिसाब से इसकी डिमांड चल रही है और आगे जैसे बुकिंग चल रही है। कौन से ऐसे परिंदे हैं जिनका वक्त गुजर चुका है? सर मेरे ख्याल में किसी का वक्त भी नहीं गुजरा, ये अपने सोचने की बातें हैं। अब तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं, एज ए हॉबीस्ट मैं देखूँ तो कोई भी परिंदा बुरा नहीं है,
जिसकी प्राइस कम हो जाती है उसको बुरा कहना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अच्छे परिंदे हैं, शौक करें, शौक करवाएं, कुछ रहें, कुछ रखें। अब ऐसे ये बताएं, लव बर्ड जो रखने वाले शौकीन हजरात हैं या बिजनेसमैन हैं? सर बेसिकली स्टार्ट ये एज ए हॉबीस्ट ही करते हैं सब, उसके बाद जब देखते हैं कि इसमें अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फिर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत से बिजनेसमैन भी अब इसमें आ रहे हैं, वो एज ए बिजनेस इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है। लव बर्ड एक पाकिस्तान में एक कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये बताएं, अगर लोग शौक की हद तक आते हैं तो वो बड़े परिंदों की तरफ क्यों नहीं जाते? मकाओ, ग्रे पैरेट देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे परिंदे हैं, ठीक है, छोटे परिंदे की तरफ क्यों आते हैं? तो ये लव बर्ड बहुत खूबसूरत परिंदा, लेकिन छोटा सा है लेकिन इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा है। छोटा होने के बावजूद इसमें खूबसूरती है, डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत कलर्स हैं। लेकिन बड़े बर्ड जो लव बर्ड के ब्रीडर हैं, वो काफ़ी ऐसे मैंने दोस्त देखे हैं, उन्होंने साथ बड़े बर्ड भी रखे हुए हैं, तो बड़ा बर्ड जो है उसके लिए आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए। अब ये मेरा एक फार्म है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 125 पेयर, ये मेरा सेकंड मतलब जो है वो बर्ड रूम है, मेरे टोटल 3 बर्ड रूम है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 27x13 का एक ये मेरा मतलब फार्म है, तो इसमें मेरे 125 पेयर लग गए हैं। यहाँ पे अगर आप मकाओ के पेयर लगाए तो मेरा नहीं ख्याल 15 से 20 पेयर लगेंगे। तो एक स्पेस इशू भी है, और उसके अलावा जो मकाओ है वो बड़ा बर्ड है, लेकिन लोग आएंगे वक्तन फवक्तन बड़े बर्ड की तरफ इंशाल्लाह। इसमें ये बताएं, मैं जब से इस फील्ड में आया हूँ तो सुनने लगा हूँ कि जी लव बर्ड भी पिटने लगा है, जाने लगा है, ख़त्म होने लगा है, ठीक है, इसका भी आखिरी साल है, कि ये इसका भी कॉकटेल वाला हाल होगा, एग्जीबिशन वाला होगा, लेकिन ये अभी तक टिका हुआ है, इसकी क्या वजूहत है और ये कब तक टिका रहेगा इसी तरह? सर बेसिकली मैं कहता हूँ लव बर्ड अभी स्टार्ट हुआ, जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि जैसे जोक दर जोक लोग इसमें आ रहे हैं, हर शहर में सोसाइटीज़ बन रही हैं, छोटी छोटी सोसाइटीज़ बन रही हैं, अब एक एक शहर में दो दो तीन तीन भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो उसकी वजह से जो है ना इसमें शौक बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से लव बर्ड पे ना अरूज ही रहेगा इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है अगले 4-5 साल तो रहेगा जी। अवैध भाई, इसमें जो है ये ब्लू यूविंग स्प्लिट डेल्यूट की फ़ीमेल है, और इसका मेल जो है वो दूसरी फीमेल के साथ बाउंड है, तो वो उसके पास जा चुका है। माशाल्लाह इसमें देख लें, ये बच्चे इसके अंदर निकले हुए हैं, ये इसके ही स्प्लिट डेल्यूट के जो है वो बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं इसके नीचे जी। आप क्लच कितने ले रहे हैं इनसे? सर बेसिकली मैं डिपेंड करता है बर्ड पे, ठीक है। अब ये इसका फर्स्ट क्लच चल रहा है, मोस्टली बर्ड से मैं 2 क्लच लेता हूँ, लेकिन जिसके नीचे 2 बच्चे आ जाएं या 3 आ जाएं, मैं वो फोस्टर करके फिर उसका तीसरा ले लेता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट अक्टूबर के एंड में बॉक्स इंस्टॉल किया और अप्रैल में रिमूव कर देने जी। अवैस भाई, नेस्टिंग मटेरियल के बारे में बताएं। ये नेस्टिंग मटेरियल जो है ये जो है हमारे नवीद भाई हैं वो ये मंगवाते हैं, उनका नंबर मैं दे दूँगा। ये स्पेशल नेस्टिंग मटेरियल है, कसूर से मंगवाया जाता है, ठीक है, ये बारीक नहीं है बिल्कुल, ये मोटा तिनका होता है, बट अपनी मर्जी से इस पर ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी प्यारी नेस्टिंग करता है। आप आगे आएँ कैमरे में, मैं आपको दिखाऊं कि एक फ्राक बनाया हुआ है जिससे उसने बाहर जाना है, बाकी पूरी माशाल्लाह देखें आप, एक राउंड में नेस्टिंग हुई हुई है। वैसे ये बताएं, जो ये नेस्टिंग बनी हुई है आपने खुद बना के दी है या उन्होंने खुद की है? नहीं सर, ये बर्ड ने खुद किया, मैंने नेस्टिंग केज के अंदर फेंकी थी तो बर्ड ने वहाँ से नेस्टिंग ला के ये खुद नेस्टिंग की जी। अक्सर फार्मर थोड़ा बहुत कर देते हैं नेस्टिंग, तो आप भी करते हैं क्या? हम बिल्कुल थोड़ी सी डालते हैं नेस्टिंग, बाकी हम लोग फिर डेली बेस पे जो है ना केज के अंदर डालते हैं, तो बर्ड वो उठा के तो अपनी नेस्टिंग करता है बॉक्स के अंदर। अक्सर दोस्त नेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घास। ये मेरे लिए, मेरे पास ये बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल है मेरे एक्सपीरियंस में, मेरा ये माशाल्लाह 5th ईयर होगा ब्रीडिंग में, तो ये मेरा बेस्ट नेस्टिंग मटेरियल का ये मेरा एक्सपीरियंस है जी। अवैस भाई, इनके बारे में बताएं। सर ये मेरे इसमें कुछ 6 माह के, सॉरी 7 माह के, 8 माह के बर्ड हैं, कुछ 10 माह के, ये शो प्रोस्पेक्टिव से मैंने रखे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर इनको माशाल्लाह मैं शो पे लेके जाऊंगा। इसमें कुछ ग्रीन है, कुछ वायलेट फिशरीज है, कुछ ओपलाइंस है, वाइल्ड टाइप ग्रीन है इसमें माशाल्लाह, ये लटीनो ओपलाइन है। अगर कोई भाई लेना चाहे तो अवेलेबल है सेल के तो लिए? ये शो बर्ड जो है ये अवेलेबल नहीं है माशाल्लाह, इधर देख सकते हैं आप, कुछ बर्ड मेरे पास अवेलेबल है,
ये ऑलमोस्ट 900 बर्ड था जो मेरे पास ब्रीड हुआ था 2021-22 के सीज़न में। उसमें से जो सेल के लिए हैं वो इधर ये कुछ बर्ड हैं, मतलब ये 3 रोज हैं और ये ऊपर वाले 2 हैं। इसमें भी कुछ मेरा ख्याल 7-8 बर्ड हैं बाकी, तो ये कुछ फॉर सेल के लिए हैं मेरे पास बर्ड। तो जो भाई लेना चाहे, नंबर मेरा होगा वीडियो में, वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इधर भी ग्रीन ओपलाइन है, फ्री वर्किंग है, इधर भी ग्रीन ओपलाइन और ब्लू ओपलाइन के कुछ बर्ड हैं, ठीक है। ये कुछ पॉसिबल पेल फेलो के बर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी ओपलाइन की वर्किंग है, उधर पार्लू ओपलाइन ब्लू ओपलाइन की के बर्ड पड़े हुए हैं। इधर कुछ नीचे पार्लू यूविंग की फिशरीज है, ब्लू यूविंग की फिशरीज है, ऊपर भी ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू, ब्लू यूविंग, वायलेट यूविंग, पार्लू यूविंग की जो फिशरीज पड़ी हुई हैं कुछ सेल के लिए। अवैध भाई, आपका फार्म विजिट किया, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, अल्लाह पाक आपके शौक को नजरे बद से बचाए, आमीन आमीन। अवैध भाई, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन बता दें। जी, मैं बागबानपुरा लाहौर में हूँ। अवैध भाई, अगर हमारे व्यूवर्स को कोई आपका परिंदा पसंद आता है तो क्या कार्गो अवेलेबल है? जी जी, कार्गो ऑल ओवर इन पाकिस्तान अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका प्रोसेस बता दें कार्गो का। जी, कार्गो बाय बस ही हम लोग करते हैं, जो टाइम से बस निकल रहे होते हैं उस पर करते हैं कार्गो। जी, पेमेंट एडवांस होगी? जी, उसकी पेमेंट एडवांस ही होती है, कार्गो की पेमेंट एडवांस होती है, बर्ड की वीडियो दी जाती है, बर्ड पसंद आने के बाद पेमेंट होती है और हम बर्ड कार्गो करवा देते हैं। जी, फ़ोन नंबर बता दें। मेरा 03004559843, ये कॉलिंग नंबर है। 03154559843, मतलब दोनों नंबर सेम ही है, सिर्फ नेटवर्क कोड चेंज है, तो वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0315 वाला। अवैध भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आज हम लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।